हेलो गाइस, आज मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी। आलू की सब्जी की रेसिपी के लिए मैंने 2 मीडियम प्याज ले लिए और 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची ली है और 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर कट कर लिए हैं और यहाँ मैंने ले लिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया और यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल मैंने 2 चम्मच लिया है। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। पहले तेल गरम हो गया है, अब इसमें ज़ीरा डाल के फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा भी फ्राई हो गया है, अब लहसुन फ्राई करेंगे। ज़ीरा और लहसुन फ्राई हो गए हैं, इसके बाद हम प्याज डालेंगे। साथ में डाल देंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च। प्याज और मिर्ची को अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज मिर्ची फ्राई हो गई है, इसके बाद डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर को प्याज मिर्ची में अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मसाले ऐड करेंगे इसमें। 1 चम्मच धनिया पाउडर, फिर डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद डाल देंगे हम 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, फिर डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। इसके बाद डाल देंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे मसाले में। अब मसाले को 1 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएं। मसाला फ्राई हो गया हमारा अच्छे से। इसके बाद डाल देंगे हम आलू। आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है आलू की और बहुत टेस्टी भी बनती है। आलू मिक्स कर लिए मैंने, अब पानी ऐड करेंगे। 2 कप पानी लिया है मैंने। आलू को मिक्स कर लेंगे पानी में। अब आलू को हम 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। पाँच मिनट हो गए हैं हमें और सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को भी मिक्स कर लेंगे आलू में। हम गैस को बंद कर देंगे। हमारी आलू की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरे आलू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।